सत श्री अकाल सारे किसान भरावां नूं, अज तुहाडे लई एक नवीं वीडियो नवीं इनफॉर्मेशन लैके आए हाँ। तो जे मेरी वीडियो वधिया लगे प्लीज़ इहनूं लाइक तो सबसक्राइब जरूर कर दे। करांगे काफ दी भी काफ अपने लिए किन्ने कु इंपोर्टेंट है। काफ अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि फार्मर का फ्यूचर प्लैन फ्यूचर प्रॉपर्टी ते गल करिए पर रीढ़ की हड्डी की रीढ़ की हड्डी उन्दे काफ ही हुंदे है क्योंकि अपन काफ ही अपने गां वधू अपना फार्म करते हैं। तो गल करते हैं अज काफ अपन काफ किन्ने ते किवें पालने चाहिए है। अपन काफ 10 दुध वाली गावं मगर 3 काफ पालने चाहिए है क्योंकि एक काफ सून तक 1.25 लाख रुपए तो लैके 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो जिहड़ा 1.5 लाख का खर्चा आता है तो काफ भी सिलैक्शन करनी है कि उनकी माँ थले 30-40 लीटर दुध होवे क्योंकि पहले सूए घट्टो घट अपना जिहड़ा काफ पालिया होया दुध देगा तो घट्टो घट 30-35 लीटर दुध देवे, नहीं तो आपां 1.25 लाख तो 1.5 लाख खर्चन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपां 1.25 लाख रुपये भी लाता तो दुध भी ना दिता तो आप होर लॉस दे विच जावांगे क्योंकि टाइम तो जिहड़ा होया ही होया लग्या ही लग्या जिहड़ा काफ नूं। तो गल करिए आप सिलैक्शन की उनकी माँ थले घट्टो घट 30-40 लीटर दुध होवे घट मस्टाइटिस होवे पहले दूजे टीके अपने गब्बर रह जाए यहोजी आप सिलैक्शन करनी है जो अपने को सारी गावां का डाटा होगा। तो आप गल करिए हुण काफ पालने किवें चाहिए है। सब तो गल करने पहला कीड़ियां की दवाई कदों ते किवें देनी चाहिए है। पहली दवाई काफ नूं 10 तों 15 दिन दे विच देनी चाहिए है। दूजी जिहड़ी डोज आ उह 30 दिन दे विच देनी चाहिए है। तीजी 55 तों 60 दे विच ते चौथी 85 तों 90 दिन दे विच। इदां ही आपां 3-3 महीने बाद उहनूं कीड़ियां की दवाई दिंदे रहनी चाहिए है। फिर गल करदे आं आपां वैक्सीन की। वैक्सीन पहली जिहड़ी वैक्सीन हैगी आपां गल करदे आं ब्रुसलोसिस की, जिहड़े आपां कहिंदे आं कि 6वें 7वें 8वें महीने पशु फल सट्टे जांदा जां बच्चा सट्टे जांदा है उह आपां नूं 2 तों लैके 6 महीने दे विच विच करवानी चाहिए है। फिर आपां गल करदे गल घोटू तो मूँह खुर की वह अपन साल में 2 वारी लवानी चाहिए है पर 4 तों 6 महीने के पहली फिर उस तो 6 महीने बाद 4 महीने बाद दूजी डोज लवा लेनी चाहिए है। फिर आप गल करते हैं जो आप गल करते हैं न्यूट्रिशन लैवल की भी न्यूट्रिशन लैवल किमें देना चाहिए है। पहला उन्होंने आप दुध पियाने 6 लीटर ठीक है, कोई 70 दिन पियादा कोई 90 दिन पियादा वधिया गल है पियाना चाहिए है ता कि जो भी आप दुध बंद करना है उन्होंने हौली हौली बंद करना 4 लीटर से 6 लीटर पिया रहा 4 लीटर लै गए 5 लीटर लै गए 3 लीटर से हौली करके। तो गल करिए काफ स्टार्टर प्रीमियम की कोई भी कंपनी का वह आप हमेशा 4 दिन बाद अगे रख देना चाहिए तो ताज़ा पानी अगे रखा देना चाहिए भी 24 घंटे फीड तो पानी हो पर फ्रैश हो तो चैक करते रहना चाहिए कि फीड तो पानी अपना सारा जिहड़ा भी हैगा वह फ्रैश हो। फिर अपना नाले काफ का हर मंथ बॉडी वेट चैक करना चाहिए तो टेंपरेचर पूरी केयर करो जिवें आप आपके बच्चे की केयर करते हैं। तो फिर आप गल करिए 55 तों 60 दिन दे तक पशु काफ स्टार्टर जिहड़ा हैगा घट्टो घट 1-1.5 किलो खाण लग पे क्योंकि जिन्नी फीड खाऊगा उन्ना प्रोटीन मिलेगा तो उन्नी ही ग्रोथ करेगा। वो तो जिन्ने भी मेरे एक्सपीरियंस के जिन्ने भी वड्डे फार्म है वो रूमन पर काम करते कि सब तो ज़्यादा रूमन डिवेलप करते हैं क्योंकि पहले 3 महीने रूमन ही डिवेलप होना होंगे। तो कई कई फार्मर 3.5-4 महीने भी काफ स्टार्टर प्रीमियम खवाते हैं। इस करके जिन्ने भी अपने फार्मर डेयरी वाले बंदे है अपने जिन्ने भरा फार्मर भरा है वह रूमन पर काम कर ते पहले 7 महीने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे है होंगे सारे महीने इंपोर्टेंट है पहले 7 महीने बहुत इंपोर्टेंट होंगे है क्योंकि पहले 7 महीने ही एनिमल अपना पूरा बॉडी वेट ग्रो करेगा ही करेगा क्योंकि जिन्ना भी उनका अपना होंगे बॉडी वेट उनकी माँ का 30% वो पहले 3-4 महीने वो कर देता है। तो 7 महीने की गल करिए जिन्ना भी खिंच सकते खिंचा जाए बॉडी वेट उनका क्योंकि 7-8 महीने बाद जिहड़ा भी अपना काफ जिहड़ा वड्डा हो जाता वो बोल पैंदी है जे आपां कहिंदे वच्छी बोल पी उदों उनका ग्रोथ रेट घट जाता है। इस करके जिन्ने भी अपने फार्मर है वो पहले 7-6 महीने जिन्ना फार्मर का ग्रो बॉडी वेट ग्रो खिंच सकते वो खिंचन जिन्नी सेवा कर सकते करन वो। इस करके पहले 6-7 महीने मैं तां कहा सी बहुत इंपोर्टेंट होंदे है क्योंकि फार्मर जिन्ने भी हैगे वो पहले 6 महीने च 180 जां कोई 200 किलो बॉडी वेट कर दिंदा है। तो 14 महीने के आप गल करिए बॉडी वेट
ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 180 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ ਦਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 170 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੀਫਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਫਰ ਆਪਣੀ 23-24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5.5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲੱਸ ਜਾਂ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ AI ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲੱਸ ਜਾਂ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹ ਵੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 3.75-3 ਮਸਾਂ 3.5 ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਬਣ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲੱਸ ਹੀ AI ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਲੱਸ ਜਾਂ 3.5 ਕੁਇੰਟਲ AI ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਟ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਡਾਇਟ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿਓਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਗੀ ਹੀਫਰ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 35-40 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿਓਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੂਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਉੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਫ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫ ਪਾਲੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ।